हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की फोर्थ लिस्ट रिलीज हो चुकी है और एज एक्सपेक्टेड बहुत सारी सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं और जितना मुझे पता है ये आगे भी खाली रहने वाली है। और जैसे ही 12 या 13 तारीख के बाद DU, BHU या JNU की लिस्ट आना खाली स्टार्ट होंगी तो ये जो फिल हुई हैं सीटें ये भी वापस वैकेंट होगी। आज पंजाब की फोर्थ लिस्ट स्टार्ट हुई है, आउट हुई है। तो पहली चीज़ तो हम ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कितना कट ऑफ नीचे गया है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो कब होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो कब होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको 14 अगस्त तक अपनी फीस जो है वो सबमिट करानी है। इनको सबसे ज़्यादा टाइम मिला है अभी तक, जितने भी काउंसलिंग लिस्ट आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वालों को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम दिया इन्होंने फीस सबमिट करने का। और उसके बाद 16th ऑफ अगस्त को जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको अपने DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और उसके बाद से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी जिनका DV हो जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, जिनको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ से हॉस्टल फैसिलिटी के लिए जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल किस तरह से अवेल करना है इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कौन कौन से फॉर्म्स आपको अप्लाई करना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ की बात कर लें तो अगर एम फार्मा की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व में कट ऑफ बहुत नीचे आ गया है, 153। OBC NCL का अनरिजर्व से हाई है। EWS के अंदर जो कट ऑफ है वो 201 है, SC के अंदर 112 है। ये GPAT से लिया है इन्होंने, CUET PG से नहीं लिया है, ये GPAT वाले बच्चे हैं। CUET PG के अनरिजर्व में लिए हैं दो बच्चे, 154 और 123 वाले। इसी तरह से LLM में भी लगभग सीटें फिल हो गई हैं, इस सीट में कट ऑफ नीचे आया है 154। और साइकोलॉजी इसमें भी जो अनरिजर्व में कट ऑफ नीचे आके 211 हो गया है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो अभी भी सीटें खाली चल रही हैं और कट ऑफ 118 तक आ गया है। मुझे लगता है कि आगे जाके जो फिल हुई हैं सीटें वो भी खाली होंगी इसमें। OBC NCL की काफ़ी सीटें फिल हुई हैं फिर भी वो आगे जाके खाली होंगी। इंग्लिश में स्टिल हाई कट ऑफ चल रहा है यहाँ पर 198, पर आगे जाके खाली होगा और नेक्स्ट राउंड में ये और नीचे जाना चाहिए। मैं आपको ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो ज्योग्राफी में बहुत नीचे आ गया है, बाकी सारी सीटें फिल हो गई है, अनरिजर्व में कुछ है नहीं। वो ST की दो सीटें बची हैं SC की, तो ज्योग्राफी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट फिल है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ नीचे आ गई है और ये इसमें अनरिजर्व की 3 सीटें और OBC की 3 हैं, पर ये भी फिल हो जाएगा और खाली होगा, पर सेकंड राउंड में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नीचे यहाँ पे नहीं गिरेगी। सोशियोलॉजी का दिखाया हुआ है, सोशियोलॉजी में काफ़ी सीटें अभी, MCOM के अंदर अभी अनरिजर्व पड़ा है पूरा। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री अभी 190 पे आ गया है, तो नेक्स्ट राउंड के अंदर ये नीचे जाएगा बायोकेमिस्ट्री, ध्यान रखना। ये कम से कम जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 175 वहाँ तक पहुँचेगा। बायोकेमिस्ट्री में SC में 107 पे आ गया है और नीचे जाएगा अभी, और OBC में 134 पे आ गया है। वहीं अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सीटें फिल हो गई है 186 पे आके, पर अगले राउंड में ये 182 तक जाना चाहिए। केमिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है, 71 पे आ गया है केमिकल साइंस में। और केमिस्ट्री की सीटें पता नहीं केमिस्ट्री के बच्चों को क्या हो गया, मैंने लास्ट राउंड में आपको बता दिया था कि इतना 139 तक जाएगा, इसके बाद ये और भी नीचे जाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के बच्चे एडमिशन ले ही नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। EWS में 127 पे आ गया, और नीचे जाएगा ये। फिर अगर बात करें हम ज्योग्राफी MSC तो 126 पे आ गया है और हो सकता है कि अगली लिस्ट में ये 120 तक भी जाए। जियोलॉजी की बात करें तो 185 पे आ गया है और इससे मेरे को लगता नहीं नीचे जाएगा ये, और कोई विड्रॉ कर ले तो फिर ये 182-183 पे आ जाएगा जियोलॉजी में। नेक्स्ट लिस्ट में अगर हम बात करें OBC NCL में तो 155 तक आ गया, नेक्स्ट लिस्ट में OBC NCL में ये 150 से नीचे आ जाएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स में ये 176 तक आ गया है और नेक्स्ट में ये आ जाना चाहिए 170 तक। ह्यूमन जेनेटिक्स में ही OBC में ये 143 तक आ गया है और नेक्स्ट लिस्ट में ये कम से कम 137 तक आना चाहिए नेक्स्ट लिस्ट के अंदर।
मैथमेटिक्स में काफ़ी सीटें फिल हुई हैं, अभी 142 पे आ गया है, लास्ट ये 139 पे आना चाहिए। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो 207 तक आ गया है, नेक्स्ट लिस्ट में अगर बात करें तो ये 200 तक आ जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 186 तक आ गया है, नेक्स्ट तक बात करें तो 182-183 तक आएगा। और ओबीसी के अंदर 119, तो नेक्स्ट लिस्ट में ओबीसी में 115 तक ही आना चाहिए। एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिए बच्चों ने, पर ये सीटें जैसे ही डीयू चालू होगा खाली होंगी, डीयू बीएचयू ये सीटें खाली होंगी। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए तैयार रहें मोस्टली बच्चे। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 14 अगस्त से तो पहले होगा नहीं, ये होगा करीबन 16 अगस्त के बाद, जब कितने बच्चे डीवी कराते हैं नहीं कराते उसके बाद आपके पास सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की खबर आएगी। यानी कि आप मान के चलो 17 तारीख या 18 तारीख को आपको पता लगेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए इन्होंने वापस से रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे, तो वापस से रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे तो जो बच्चे पहले फॉर्म नहीं भर पाते वो वापस से भर देते हैं। तो एक बार वापस से वैसे ही लिस्ट स्टार्ट होती है, शुरू में 200 से फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर वो भर जाती है, फिर उन बच्चों को कहीं एडमिशन हो जाता है, फिर थर्ड राउंड चालू करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर लास्ट में आके ये पूरा महीना खत्म करके फिर ये ऑफलाइन काउंसलिंग करते हैं। ये पंजाब का प्रोसीजर है। ऐसे ही आज हरियाणा की भी आखिरी लिस्ट आई है, हरियाणा में डेफिनेटली ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और ओपन काउंसलिंग शायद उसकी डेट भी 14th ऑफ अगस्त है, तो उसका ध्यान रखना आप। ओबीसी में फिजिक्स में 179 आ गया है, पर ये नेक्स्ट लिस्ट के अंदर इससे ज़्यादा कम जाएगा नहीं, और नेक्स्ट लिस्ट आई भी शायद 5-4 मेरे को ध्यान नहीं है, परंतु ये नीचे जाएंगे, अभी फिजिक्स में और नीचे जाना है इसको। जूलॉजी की बात करें तो 222 पर आ गया है, बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया होगा, पर लास्ट में ये मान के चलता हूँ कि 200 से नीचे जाके ये बंद होगा जूलॉजी में, इतना हाई नहीं रहेगा यहाँ पंजाब के अंदर, इतना हाई नहीं रहेगा। ओबीसी एनसीएल में 198 है, तो आगे जाके और भी कम आएगा। कुल मिला के सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप रेडी रहें, अभी नहीं होगी 16 तारीख तक, जब तक बच्चे डीवी नहीं करा लेते, क्योंकि अगर कोई डीवी नहीं कराने पहुंच रहा है इसका मतलब वो विड्रॉ करेगा, तो 16 तारीख के बाद ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन जारी करेंगे, तब तक आपको पेशेंस बनाए रखने होंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट कट ऑफ एनालिसिस ऑफ लिस्ट 1.4 ऑफ पंजाब। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।